बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी, जिन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक माना जाता है, अपनी एक्टिंग और बोल्ड अंदाज से हर किसी के दिलों पर छाई हुई हैं। 2015 में उन्होंने तमिल फिल्म लोफर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में उनकी एक्टिंग ने उन्हें और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी दिलाई थी। अपनी प्रोफेशनल उपलब्धियों के बावजूद दिशा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी सुर्खियां बटोरती रहती हैं। एक्ट्रेस के लव लाइफ की बात करें तो सभी जानते हैं कि दिशा पटानी पहले एक्टर टैगर श्रॉफ के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन कुछ समय पहले ही दोनों का ब्रेकअप हो गया था। वहीं अब दिशा पटानी की हालिया फोटो से उनके रिलेशनशिप में होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। एंटरटेनमेंट पर सामने आई एक हालिया पोस्ट में दिशा पटानी लो वेस्ट व्हाइट हुईट जॉगर्स और पाउडर ग्रे हुईट टैंक टॉप पहने हुए बेहद ही हॉट लग रही हैं। हालांकि फोटो में दिशा के लुक से ज्यादा जो चीज सबका ध्यान खींच रही है वो है एक्ट्रेस के बाएं हाथ पर बना नया टैटू, जिस पर पीडी के इनिशियल्स हैं। वैसे दिशा पटानी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके पर्सनल लाइफ अक्सर फैंस के बीच चर्चा में बनी रहती है। ऐसे में जब दिशा ने अपना नया टैटू दिखाया है तो उनके फैंस उनके नए रिलेशनशिप के बारे में अटकलें लगाने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। वहीं दिशा के टैटू में पी इनिशियल को देखते हुए एक्ट्रेस के फैंस ये अटकलें निकालने लगे हैं कि दिशा इन दिनों अपने को स्टार प्रभास के साथ रिलेशनशिप में है। बता दें कि एक्ट्रेस ने हाल ही में फिल्म क्लिक 2898 एडी में प्रभास के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया है। फिल्म में दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई है, लेकिन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के अलावा फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रभास और दिशा की ऑफ स्क्रीन तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि दिशा के नए टैटू से उनके और प्रभास के बीच की रोमांस की अटकलें लगाना आम हो गया है। वहीं इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में दिशा पटानी के फैंस ने उनके नए टैटू के रहस्यमय शुरुआती अक्षरों पर अपनी राय शेयर करनी शुरू कर दी है। कुछ फैंस ये दावा कर रहे हैं कि पीडी एक्ट्रेस के अपने नाम का उल्टा हो सकता है। वहीं कुछ फैंस ये भी कह रहे हैं कि एक्ट्रेस के टैटू में दिख रहे शुरुआती अक्षर प्रभास और दिशा के हैं। हालांकि दोनों एक्टर्स में से किसी ने भी इन खबरों को अभी तक कंफर्म नहीं किया है, लेकिन दोनों के फैंस ने पहले ही उन्हें एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। खैर, ये पहली बार नहीं है जब दिशा पटानी की पर्सनल लाइफ के बारे में इंटरनेट पर इस तरह की अफवाहें उड़ रही हों। इससे पहले टैगर श्रॉफ से ब्रेकअप के बाद भी कई फैंस थ्योरीज में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि टाइगर के बाद दिशा को साइबेरियाई मॉडल और अपने सबसे अच्छे दोस्त अलेक्जेंडर एलेक्स से प्यार हो गया है। दोनों सोशल मीडिया पर भी एक साथ पोस्ट करते नजर आते थे। इसके साथ ही दोनों कई बार एक साथ डेट्स पर भी जाते नजर आए थे। अब दिशा पटानी की लव लाइफ को लेकर एक बार फिर से नए दावे किए जा रहे हैं। इस बार एक्ट्रेस के साउथ सुपरस्टार प्रभास के साथ की रोमांस की खबरें जोरों पर हैं। अब देखना यह है कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है। वहीं अगर दोनों के रोमांस की खबरें अगर सच है तो ये दोनों के फैंस के लिए काफी खुशी की बात होगी। सुष्मिता सेन का नाम बॉलीवुड के उन सितारों में शामिल है जो सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ हर छोटी बड़ी खबर को शेयर करती हैं। हाल ही में सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी बर्थ डेट को बदल दिया है, जिसके बाद से उनके फैंस के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर एक्ट्रेस ने अपनी बर्थ डेट को क्यों बदल दिया है। वहीं अब हाल ही में पूर्व मिस यूनिवर्स ने अपने फैंस के इन सभी सवालों का जवाब देते हुए अपनी दूसरी बर्थ डेट के राज से पर्दा उठाया है। इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो में सुष्मिता सेन ब्राउन कलर के प्लाजो और कुर्ते में नजर आ रही हैं। इसके साथ ही उनके चेहरे पर हल्के से मुस्कान भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा वीडियो में उन्होंने अपने हाथों में एक कप पकड़ा हुआ है और पीछे उनकी आवाज में एक वॉइस ओवर चल रहा है, जिसमें वो अपने लाइफ के कुछ राज और अनसीन पन्नों की कहानी अपने फैंस को सुनाती नजर आ रही है। सुष्मिता सेन ने बताया कि उनका दूसरा बर्थ डेट 27 फरवरी 2023 वो डेट है जिस दिन उन्हें हार्ट अटैक आया था। एक्ट्रेस ने बताया कि मेरी जिंदगी की एक ऐसी कहानी है जिसे मैंने निभाया भी है और जिया भी है। मेरी जिंदगी की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब मुझे हार्ट अटैक आया था। उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मेरी कहानी खत्म होने वाली है। मेरे डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी वजह से मेरी जिंदगी बच गई और मेरी कहानी आज भी जारी है। उन्होंने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। वो डेट मेरी दूसरी डेट ऑफ बर्थ है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुए उस हादसे की पूरी कहानी को बयां करते हुए कहा कि उस दिन की 45 मिनट
उनकी जिंदगी के सबसे लंबे और सबसे मुश्किल 45 मिनट थे। उन्होंने ये कहानी बयां करते हुए अपने बचपन और अपने परिवार की कुछ खूबसूरत तस्वीरों की भी झलक दिखाई। आपको बता दें कि सन फार्मा सुष्मिता सेन की इस दूसरे डेट ऑफ बर्थ की कहानी पर एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसका एक वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सुष्मिता की इस वीडियो ने उनके फैंस को बहुत इमोशनल कर दिया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुष्मिता सेन को पिछले साल 27 फरवरी 2023 को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उनकी मुंबई के नानावती अस्पताल में एंजियोप्लास्टी कराई थी, जिसके बाद एक्ट्रेस को 1 मार्च को अस्पताल से छुट्टी मिली थी। खैर, अब सुष्मिता के इस खुलासे से फैंस को उनकी दूसरी डेट ऑफ बर्थ का राज तो पता चल गया है और वो अब एक्ट्रेस की हेल्थ अच्छी रहने की प्रार्थना कर रहे हैं। बॉलीवुड के प्रोडक्शन कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट पिछले काफी समय से चर्चा में बनी हुई है। दरअसल पूजा एंटरटेनमेंट अपने फाइनेंशियल लॉस को लेकर लगातार खबरों में है। वहीं काफी समय से ये भी कहा जा रहा था कि पूजा एंटरटेनमेंट ने क्रू मेंबर्स को उनकी सैलरी तक नहीं दी है। इसको लेकर अब प्रोड्यूसर जैकी भगनानी ने चुप्पी तोड़ी है और फाइनेंशियल लॉस की खबरों को सही बताया है। इसके साथ ही उन्होंने अक्षय कुमार की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया है। यहाँ तक कि प्रोडक्शन हाउस के क्रू मेंबर्स की सैलरी पे करने के लिए उन्होंने अपनी सैलरी को होल्ड कर दिया है। प्रोडक्शन कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट की पिछली कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, जिसके चलते कंपनी को काफी नुकसान हुआ था। प्रोडक्शन कंपनी की पिछली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां भी बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई थी। अक्षय कुमार की इस फिल्म के फ्लॉप होने से प्रोडक्शन हाउस को काफी नुकसान हुआ था और क्रू मेंबर्स की सैलरी को भी रोक दिया गया था। इसी को लेकर अब जैकी भगनानी ने चुप्पी तोड़ दी है। जैकी भगनानी ने कहा है कि अक्षय कुमार ने हाल ही में इस मामले पर चर्चा करने के लिए उनसे मुलाकात की थी। उनकी स्थिति के बारे में जानने के बाद अक्षय कुमार ने आगे आकर पूजा एंटरटेनमेंट के क्रू मेंबर्स के लिए अपना सपोर्ट देखा है। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हर एक आर्टिस्ट और क्रू मेंबर को उनका पूरा और अंतिम भुगतान नहीं मिल जाता है, तब तक एक्टर की फीस को भी रोक दिया जाए। जैकी भगनानी ने बताया है कि हम अक्षय कुमार की समझदारी और ऐसे मुश्किल समय पर हमारे साथ खड़े रहने के लिए उनकी शिक्षा के लिए दिल से आभारी हैं। फिल्मी बिजनेस मजबूत रिश्तों पर टिका होता है और यही वो भावना है जिसे हम पूजा एंटरटेनमेंट में बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि अक्षय कुमार स्टारर बड़े मियां छोटे मियां को पूजा एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया था। 350 करोड़ के बजट की बनी इस फिल्म ने सिर्फ 102 करोड़ रुपए की ही कमाई की है। वहीं इससे पहले अक्षय कुमार ने जैकी भगनानी के प्रोडक्शन हाउस में बनी बेल बॉटम, मिशन रानीगंज और बड़े मियां छोटे मियां जैसी फिल्मों में काम किया है, लेकिन ये सभी बिग बजट फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा नहीं कर पाई, जिसकी वजह से पूजा एंटरटेनमेंट को अब फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ रहा है। खैर, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के इस कदम की फैंस अब जमकर तारीफ कर रहे हैं। अब देखना यह है कि अक्षय कुमार की इस मदद से प्रोडक्शन कंपनी अपने क्रू मेंबर्स की सैलरी कब तक चुका पाती है और इस मुश्किल समय से किस तरह से बाहर निकल पाती है। एक्ट्रेस हिना खान ने कुछ दिनों पहले ही अपने ब्रेस्ट कैंसर की खबर से अपने फैंस को बड़ा झटका दिया है। हिना के फैंस उनके कैंसर पॉजिटिव होने की खबर से काफी निराश हैं। सभी के लिए ये खबर काफी शॉकिंग है। वहीं एक्ट्रेस ने बताया है कि उनका इलाज चल रहा है, ऐसे में वो फैंस को पॉजिटिव मैसेज देती रहती है। इसी बीच अब हिना ने अपनी पहली कीमोथेरेपी का एक वीडियो शेयर किया है। उनका ये वीडियो देखकर एक तरफ जहां उनके फैंस इमोशनल है, तो वहीं वो एक्ट्रेस के इन स्ट्रांग होने का प्रूफ देखकर खुश है कि कैसे वो इस बीमारी से पॉजिटिवली लड़ रही हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले ही नए एक इवेंट में नजर आई थी। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि एक्ट्रेस को कैंसर है और इस इवेंट के बाद वो अपनी कीमो के लिए जाएंगी। हिना ने जो वीडियो शेयर किया है उसकी शुरुआत एक इवेंट से होती है, जहां हिना पेपराजी के सामने पोज देती नजर आ रही है। इसके बाद एक्ट्रेस को अवार्ड मिलता है। अवार्ड लेने के बाद हिना हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। इसके बाद वो हॉस्पिटल में जाते हुए कहती है कि सारा ग्लैमर चला गया है और मैं अपने पहले कीमो के लिए आ गई हूँ। वीडियो शेयर कर हिना ने लिखा, इस अवार्ड नाइट पर मुझे पता था कि मुझे कैंसर है, लेकिन मैंने इसे नॉर्मल करने का डिसीजन लिया, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए। इस दिन ने सब कुछ बदल दिया है। ये मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल फेज की शुरुआत थी। हम जो सोचते हैं, जिस चीज पर विश्वास करते हैं, वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए मैंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया है। सबसे पहले मैं पॉजिटिव हूँ,
मैं अपने इस एक्सपीरियंस को नॉर्मल रखना चाहती थी। मेरे लिए मेरे वर्क कमिटमेंट्स मायने रखते हैं, मेरे लिए मोटिवेशन, पैशन और आर्ट मायने रखता है। मैंने झुकने से मना कर दिया। यह अवार्ड जो मुझे मेरे पहले कीमो से मिला, सिर्फ यही मेरे लिए मोटिवेशन नहीं था। मैंने ये इवेंट इसलिए भी अटेंड किया जिससे मैं खुद को बता सकूं कि मैंने जो बेंचमार्क सेट किया है उसे जी रही हूं। मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अपनी लाइफ के चैलेंज को नॉर्मल करो और फिर उन्हें जियो। चाहे कितना भी मुश्किल हो, पीछे मत हटना और कभी हार मत मानना। इस वीडियो पर फैंस से लेकर सेलेब्स तक सभी ने हीना को काफी सपोर्ट किया है और उन पर प्यार बरसाया है। हीना के बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल ने भी इस वीडियो पर कमेंट किया है और उन्हें फाइटर बुलाया है। खैर, अब हीना का ये वीडियो देखकर फैंस उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं और उन्हें शेरनी कहकर बुला रहे हैं। इसके साथ ही एक्ट्रेस के लिए इंडिया के साथ साथ और भी कई देशों से लोग जल्द उनके ठीक होने की कामना कर रहे हैं।